अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आरके ग्राफिक क्रिएशन, और आज मैं आपको पैटर्न क्रिएट करना सिखाऊंगी। जैसे कि सबसे पहले मैं एक पेज ओपन कर लूंगी। इसमें मैंने इंचेस लेनी है इसमें हमने। इसके बाद जो विड्थ होगी हमारे पेज की वो होगी 42, और इसकी जो हाइट होगी वो होगी 46, और CMY के हमने कलर लेने हैं इसमें। और अब हम ओके कर देंगे तो हमारा न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब हम सबसे पहले अपने पेज को कलर देंगे। जिसके लिए मैंने लिया है रेक्टेंगल टूल। अब सिंपल ड्रैग करेंगे तो ये कलर आ जाएगा। अभी मैं कलर चेंज नहीं कर रही, अभी मैं इसी कलर को रखूंगी। जब अब हम अपनी फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद ओपन पे क्लिक किया, और मैंने जो डिज़ाइन पहले से सेव करके रखा है वो मैंने ले लिया यहाँ पे। इसका मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया था। इसको सिंपल ड्रैग करके हमने अपने न्यू पेज पे ले आना। और जब भी आपने इस पर किया है वो है कंट्रोल आर, तब सिंपल इसको ड्रैग करके इसके मिड में ले आएंगे। फिर हम अपने जो मोटिव लिए हैं फ्लावर का वो हमने इसके मिड में रख देना है। अगर आप इस चैनल पे नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल के आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा। अब मैंने इस डिज़ाइन की कॉपी ली है, जो कॉपी हम कंट्रोल जे से करेंगे और शिफ्ट प्रेस करके हमने इसको ड्रैग करना है। ये मैंने रोटेट किया इसको एडजस्टमेंट के लिए। दोबारा से मैंने इसको एडजस्ट करके एक इसकी कॉपी ली। कॉपी को हम दूसरे कॉर्नर पे ले जाएंगे। यहाँ पे जाके हमने पहले तो अपने जो हमारा डिज़ाइन है, जो मोटिव है, उसको हमने सेलेक्ट करना, जो कि हम सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल टी से। उसके बाद हमने इसको रोटेट कर देना है। रोटेट करने के बाद हम इसकी एडजस्टमेंट कर लेंगे। दोबारा से हम इसी की एक और कॉपी लेंगे और दूसरे कॉर्नर पे ले जाएंगे ड्रैग करके। खूबसूरत से डिजाइन बनते हैं इससे। हम इसी डिज़ाइन को कॉपी करके दूसरे कॉर्नर पे ले जाएंगे। इस डिज़ाइन की एडजस्टमेंट के बाद हम इस डिज़ाइन को दोबारा से कॉपी करेंगे और इसके नीचे ही इसको ड्रैग करके ले आएंगे। हमने फिर से एक कॉपी ली और इसको ऊपर ड्रैग करके ले जाएंगे इसके ऊपर।
अब हम इसकी रिपीट चलाएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अब हम अपने बैकग्राउंड का कलर चेंज करेंगे। मैं इसकी फिर से एक कॉपी करूंगी और इसे ड्रैग करके छोटा कर लूंगी इसका साइज़ को, और इसका साइज़ आपने शिफ्ट प्रेस करके छोटा करना। अब हम इसकी रिपीट चलाएंगे। अब हम इसकी रिपीट चलाएंगे। अब हम इस डिज़ाइन की फिर से एक कॉपी लेंगे और इसको यहाँ पे आके एडजस्ट कर देंगे, इसको रोटेट करना है हमें, रोटेट करने के बाद इसे यहाँ पे एडजस्ट करके फिर से हम इसकी एक कॉपी लेंगे। अब हम इस डिज़ाइन की फिर से एक कॉपी लेंगे और इसको यहाँ पे आके एडजस्ट कर देंगे, इसको रोटेट करना है हमें, रोटेट करने के बाद इसे यहाँ पे एडजस्ट करके फिर से हम इसकी एक कॉपी लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन बिल्कुल हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं ये जो रूलर्स का मैंने लिया था, इसको मैंने वापस ड्रैग करके वहीं पे छोड़ूंगी, तो ये रूलर्स ख़त्म हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन, पैटर्न डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। इसे मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरती से क्रिएट किया है मैंने। आप भी अपना डिज़ाइन इसी तरह क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।
और मेरे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।